नमस्कार दर्शकों, मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 12 पर। ये जो सत्र है ये कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। संगीत का यह सत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। गुरु पूर्णिमा का आज पावन पर्व पूरा देश मना रहा है और संगीत का एक सत्र, सितार का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनेंगे अगले एक घंटा हमारे साथ। और दो बहुत खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूँगी। श्रीमान सप्तऋषि मंडल जी का, आप बाल भारती पब्लिक स्कूल में काम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार कृति जी। तबले पर आपका साथ निभाएंगे मिलन चक्रवर्ती जी, आप लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और दर्शकों, आज के इस सत्र को हम आप आरंभ करें उससे पहले कुछ जानकारियां जो आपसे साझा करनी है। इस बीच में अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए जो आप हमसे साझा करना चाहें तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं, नंबर रहेगा 8800440559। इस प्रोग्राम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो NCERT के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सभी सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भेजे गए सभी प्रश्न लें और अपने एक्सपर्ट के साथ उसको आज इस चर्चा में शामिल करें। एक और माध्यम है जिसके जरिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, अपने सभी सवालों को मेल करें dth.class12@cieet.nic.in पर। तो ये रहे वो सभी माध्यम, वो सभी जरिए जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अब वक्त हो चला है इस सुरीले सत्र को आरंभ करने का। पुनः स्वागत करूंगी आपका सप्तऋषि मंडल जी। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है तो चाहूंगी उसके बारे में ही बात करते हुए आज इस सत्र को हम आरंभ करें। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। आज का दिन बहुत ही खास है एक म्यूजिशियन के लिए, सब म्यूजिशियन ही नहीं है, दुनिया में हर परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जो भी जुड़ा हुआ है सबके लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है पिछले साल भी NCERT का ऐसी इसी के आसपास प्रोग्राम था, मैं स्टूडियो में था और मेरे गुरुजी पंडित देबू चौधरी मुझे कॉल किए थे। बट बहुत ही ट्रेजेडी है कि आज नहीं है मेरे गुरुजी, तो आज जो प्रोग्राम है मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। बट ये प्रोग्राम क्लास 12th के लिए है तो उसी हिसाब से हमने ये प्रोग्राम को सजाने के लिए कोशिश की है। प्रोग्राम का जो हमने टाइटल आज रखा है वो है इंडियन म्यूज़िक, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो एस्थेटिक पार्ट है उसके बारे में। इसमें आज जो डिस्कशन होगा ज़्यादा थियोरिटिकल नहीं होगा, रागों का जो एस्थेटिक पोर्शन है उसे हम कोशिश करेंगे सबके सामने पेश करने के लिए। एक बात है, मैंने इस पूरे सेशन में जो राग मेनली मैंने चॉइस किए वो है राग भूपाली। ऐसा तो सब बचपन से हम लोग भूपाली सीखते हैं, सब भूपाली के बारे में जानते हैं, बट ऑनेस्टली एक अपर लेवल के बाद ये राग मुझे लगता है जैसे थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट में भी उतना नहीं सुनाई देता है कि कोई महान कलाकार भूपाली बजा रहे या गा रहे, तो ये सिलेबस में भी है और मेरे एक पसंदीदा राग भी है। और मैं कोशिश करूँगा भूपाली को लेके आज डिस्कशन करें और उसके साथ अगर टाइम हो तो राग खमाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। जी सप्तऋषि जी, क्योंकि जैसा कि आज के कार्यक्रम का टाइटल है कि एस्थेटिज्म इन इंडियन रागा, आज हम सौंदर्य शास्त्र पर बात करेंगे दर्शकों, भारतीय रागों से संबंधित, और भोपाली और कल्याण ऐसे कुछ खमाज जैसे कि अभी नाम लिया गया, ये वो सभी राग हैं जो बहुत इनिशियल स्टेज पे आपको शुरुआती दौर में सिखाए पढ़ाए जाते हैं जिससे आपकी तालीम शुरू होती है संगीत की। और सप्तऋषि जी खुद स्कूल में पढ़ाते हैं तो यकीनन 11th-12th के बच्चों से जब आप जुड़ते होंगे तो इन रागों के बारे में बताते होंगे। तो मुझे लगता है आज के इस सत्र को हम ऐसे ही आरंभ करते हैं, थोड़ा सा सौंदर्य शास्त्र हम भोपाली के बारे में बात करते हुए फिर आपकी प्रस्तुति को सभी देखेंगे। जरूर जरूर कृति जी। राग भूपाली का जो थ्योरी है आई थिंक सभी लोगों को पता है कि ये कल्याण ठाट के अंतर्गत है, औरव जाति का राग है, गा एंड धा बादी संबादी है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये आई थिंक सभी को पता है। बट
मुझे लगता है कि भूपाली को हमने क्यों चुना, इसका रीज़न यही है कि ज़्यादातर कोई भी कॉन्सर्ट, कोई भी आप यूट्यूब वीडियोस, जो भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो भी क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जब रागों का डिस्कशन होता है, बहुत कम सुनने को मिलता है कि भूपाली लेके कोई डिस्कशन कर रहा है। तो मेरा ये भी एक मकसद था इसके लिए, और क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें भी भूपाली है। तो भूपाली का जैसे एक मैं बोल रहा हूँ बाय नेचर ये औरब जाति का राग है जी। तो सभी को पता है कि औरब जाति का राग थोड़ा सा छोटा ही होता है, आई मीन ज़्यादा स्कोप्स नहीं जाता है। बट एक राग है हम लोग सभी लोग जानते कि जो छः आदि जो राग है हमारा उसमें मेघ भी आता है जी। अभी मानसून है, वो भी औरब जाति का राग है, बट कितना गंभीर प्रकृति का राग है मेघ। वो खुद राग ही इतना बड़ा है, इतना गंभीरतापूर्ण है, तो ये भी औरब जाति का राग है। ऐसे ही है राग भूपाली भी। भूपाली अगर हम लोग ठीक से इसे हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे तो इसका भी जो एस्थेटिक पोर्शन है रागों का बहुत अच्छे से आ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा भूपाली के साथ और जो आसपास थोड़ा राग है, जैसे सब लोग जो जानते हैं देशकार, देशकार के बारे में तो ये तो सबका थ्योरी में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भूपाली एंड देशकार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन सा है जी। बट मैं चाह रहा हूँ कि भूपाली के आसपास मतलब मिलता जुलता स्केल, ऐसे जैसे एक राग आई थिंक बहुत लोगों ने, बच्चे ने तो सुना ही नहीं है, एक राग है, राग है भूपेश्वरी जी। भूपेश्वरी को कोई कोई लोग प्रतीक्षा भी बोलते हैं, राग प्रतीक्षा। ऐसे तो वो बहुत ऑर्थोडॉक्स राग है नहीं, बहुत ही नया राग है। बट भूपाली जैसे मैं जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ कैसे चेंज हो जाता है। अब देखिए इसका एक नोट स्वर वही रहता है, एक को हम कोमल कर देते हैं, कैसा इसका फ्लेवर आता है। अब ऐसी एक राग है जिसे भूप कल्याण बोलते हैं, लोग शुद्ध कल्याण भी बोलते हैं। ये भी इसका एक अजीब है कि इसका जो एसेंडिंग है शुद्ध कल्याण जिसे बोलते हैं पूरा भूपाली है, और डिसेंडिंग में यमन है। तो ठाट भी कल्याण ठाट है, देखिए कैसे है शुद्ध कल्याण। अब चेंज हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, आसपास जो राग हैं जिनका चलन लगभग एक जैसा ही है, और कुछ बारीकियां जो हमारे एक्सपर्ट सतीश मंडल जी आपसे शेयर कर रहे हैं, जैसे शुद्ध कल्याण की हमने बात की, आरओ में जाते हुए आपको सेम भोपाली लगेगा, अवरोहात्मक जब हम आएंगे तो वो कल्याण कहीं ना कहीं यमन की झलक दिखा रहा है। बहुत मायने डिटेल्स हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो सतीश मंडल जी, इससे पहले हम आपकी प्रस्तुति को और गहराई से सुने, भोपाली आपने आज आप जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं
ग्लोबली अगर उसका एक तालमेल, उसका और सभी संगीत में क्या योगदान है, और लाइट में भी, म्यूजिक में मैं देखती हूँ अनेकों कॉम्पोजिशंस गीत गज़ल भजन में देखने को मिलती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? राग भोपाली, अगर ग्लोबल म्यूजिक के और हम लोग थोड़ा देखें तो ये जो स्केल है, पेंटाटोनिक स्केल, आप इंटर चाइना जापान इस तरह की कंट्री में अगर जाएंगे, इन लोगों का जो ट्रेडिशनल जो भी म्यूज़िक है इसी स्केल के ऊपर आधारित है। मुझे याद है एक बार शंघाई फेस्टिवल में हम लोग गए थे, तो उसमें एक बहुत पॉपुलर चाइनीज़ कंपोजिशन था, उसे बोलते हैं मौली हुआ, जिसका अगर हिंदी में अगर उसका मीनिंग होता है कि जैस्मिन जो फ्लावर है, जैस्मिन, हिंदी मुझे जैस्मिन का उतना नॉलेज है नहीं, जब बट सब लोग जैस्मिन जानते ही है, तो जैस्मिन फूल के बारे में एक बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है चाइना में, जो पूरा इराक आपको लगेगा भोपाली। वही नहीं, आप कोई भी टीवी शो में, यूट्यूब में कार्टून देखिए चाइनीज़ या जापनीज़, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक देखेंगे आप, अगर ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि जैसे राग भोपाली का जो नोट है ऐसे ही जा रहा है, बट एज इट इज़ सेम नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है। मैं जस्ट एक बार मौली हुआ मुझे थोड़ा सा याद है, देखिए कि कैसे भोपाली को इसमें इंट्रोड्यूस किया। और एक बात मुझसे छूट गए, भोपाली के आसपास सबसे क्लोज राग देश का रहता है, बट लोग पूछेंगे इतना अगर गंभीरता में ना जाए तो क्या डिफरेंस क्या है? एक तो ये डिफरेंस है कि भोपाली कल्याण ठाट का है और वो बिलावल ठाट का है, बट जो एक अगर एस्थेटिक पोर्शन, इसलिए मैंने मेंशन करना चाह रहा हूँ, राग भोपाली का जो चलन है, रागों का जो रूप रेखा है, वो ज़्यादातर क्या है, मंद्र सप्तक में, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूजिकल लोअर ऑक्टेव, इसमें होते हैं। बादी संवर्दी भी टोटली डिफरेंस है, भोपाली में गाधा, उसमें धा और गा। और जो खास बात है, देश का जो राग है इसका ज़्यादातर चलन मिडिल ऑक्टेव से लेके मध्य सप्तक से तार सप्तक की ओर जाते हैं, और देश का दोपहर मतलब मॉर्निंग का सेकेंड हाफ इस टाइम का राग है, बट भोपाली इवनिंग का राग है। तो ये जो टाइम स्केल, अकॉर्डिंग टू टाइम स्केल जो रागों का हम लोग बटा है, जो हमारे जो गुणीजन जो राग बनाए इतने, तो नेचर टाइम इसको नज़र रखते हुए रागों को इन्होंने सजाया है। तो राग भोपाली और देश का जस्ट पूरा समय दिखा रहा हूँ, चलन में क्या डिफरेंस। ज़्यादातर देशकार का जो चलन है ये हायर ऑक्टेव में जाता है, और भोपाली लोअर ऑक्टेव में,
ये एक बेसिक डिफरेंस है। प्लीज कृति जी, कोई क्वेश्चन जी? तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस पर चर्चा कर रहे हैं हम। देशकार का चलन भी आपने देखा, और ये वो सभी चीज़ें हैं जो आगे आफ्टर 12th जो बच्चे म्यूज़िक को पढ़ेंगे, समझेंगे, म्यूज़िक ऑनर्स करेंगे, उनके लिए बहुत काम की बातें हैं। तो चलिए, बहुत जब हमने अब सौंदर्य शास्त्र में बात कर ली है रागों के, अब हम चाहेंगे अपने आज के मेहमान सप्तऋषि मंडल जी की कुछ प्रस्तुति भी देखें भोपाली राग में। राग भोपाली, मैंने जो पहला जो बंदिश गत जो मैंने बजाऊंगा वो थोड़ा धीमी लय में है, विलंबित लय में, बट ये मसीद खानी नहीं है, तीन ताली विलंबित स्टाइल में, इसे ध्रुपद स्टाइल में हम बजाते हैं। मिलन जी थोड़ा सा okay. गत है ये थोड़ा सा ध्रुपद है, बट इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा अगर हम लोग और थोड़ा लय भराएं तो इसका गत ऐसे होता है, इसका भी अलग सा रूप है। Thank you.
छोटा सा जिसे हम लोग रजा खनिगत बोलते, इसके बाद इसी को हम द्रुत में अगर कॉन्वर्ट करेंगे तो द्रुत लैब हो जाएगा। तो भूपाली के बारे में अगर और कुछ आपको पूछना है कृति जी, प्लीज़ पूछ सकते। जी, मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन आज हमारे सभी स्टूडेंट्स का देखा गया है लाइट म्यूजिक में, क्योंकि इतना चलन है तो बहुत से फिल्मी गीत भी आधारित हैं राग भोपाली में। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, बहुत ही बचपन में भी हम सुने थे, बहुत ही अच्छा राग है। फेमस गाना है ये, भूपाली के ऊपर आधारित है। एक गाना मुझे भी याद आता है बहुत फेमस, हर माँ के मुंह पे जो चढ़ा रहता है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मतलब ऐसे छोटे छोटे गाने जो हम बॉलीवुड के न जाने कब से सुनते आ रहे हैं और हमें मालूम नहीं होता है कि रागों पर ही आधारित है। और एक बात मुझे याद आ रहा है इसी चलते हुए, कर्नाटकी म्यूजिक में, क्लासिकल नहीं, कर्नाटकी, एक बहुत ही फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग है वीलू थलाई बोल के, वो भी अगर हम ध्यान से सुनेंगे देखेंगे राग भोपाली ऐसे है, एक मार्चिंग सॉन्ग है।
भी राग भूपाली के ऊपर ही आसपास है, बट उसका चलन थोड़ा हायर ऑक्टेव में, इसीलिए देशकार भी बोल सकते हैं जी। और भोपाली का जो चलन है मुख्यतः एक मध्य सप्तक में, मंद्र में मध्य में रहेगा। और क्योंकि अब आपने कर्नाटक संगीत की बात की, तो मैं यहाँ दर्शकों को थोड़ा सा बता देना चाहूँगी कि कर्नाटक संगीत में, क्योंकि सप्तऋषि जी आप भी मेरी बात में ऐड करेंगे, जो चलन ज़रूर एक हो सकता है रागों का, पर नाम अलग हैं। कर्नाटक संगीत में इसी राग को राग मोहन कहा जाता है, जिसको हम आज यहाँ भोपाली कह रहे हैं। क्या कहेंगे हम आप इस बारे में? सिर्फ कर्नाटकी म्यूजिक ऑल ओवर वर्ल्ड में जी, चाइना में अभी मैंने एग्जांपल दिए, पूरा उस जो जॉनर है कंट्री, चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो वहाँ पे भी भोपाली बजता है ऐसे ही आसपास, ऐसे ही कर्नाटकी में मोहन जो आप बोल रहे, तो लगभग म्यूजिक का ही खासियत है ग्लोबली, इसका कोई बैरियर नहीं है, सबके लिए म्यूजिक है, फॉर्मेट अलग अलग है। हम लोग क्लासिकल बजाते हैं इसलिए हमें लगता है कि क्लासिकल बहुत रिच है बहुत, बट वो नहीं है, म्यूज़िक सबके लिए एक है। मेरे जो इतना थोड़ा सा जो नॉलेज है, म्यूज़िक एक माध्यम है ऑलमाइटी से मिलने के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया, चाइना, जो भी है, सब लोग म्यूज़िक एक माध्यम होता है वर्शिप करके हम लोग सुप्रीम तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, तो मेरे लिए म्यूज़िक का डेफिनेशन यही है, तो इसमें कोई बैरियर नहीं है कि कर्नाटक चाहे चाइना चाहे जापान, सब एक ही है, अलग अलग एप्लीकेशन होता है, बट म्यूज़िक का जो एम है, जो म्यूज़िक का जिस लिए म्यूज़िक ह्यूमन सोसाइटी में है, वो है एक बेटरमेंट के लिए और भगवान तक पहुँचने के लिए एक माध्यम है म्यूज़िक, छोटे से ही हम बोल सकते हैं, इतना ही मुझे जो समझ है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही आपने, वेल सेड, कि एक माध्यम है संगीत हमें उस परमात्मा से जोड़ने का, उस डिवाइन, उस स्पिरिचुअलिटी से उस मिस्टिक वर्ल्ड में ले जाने का, एक सहारा हमें देने का। तो हम चाहेंगे कुछ और आप हमारे सभी दर्शकों को सुनाएं। मैं छोटा सा पार्टी बजाऊंगा, खमाज इसलिए मैं बजा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि खमाज के ऊपर बहुत ही पॉपुलर वैष्णव जन तो जो है सब लोग जानते हैं, उसको देखे हम ख़त्म करना चाह रहे, तो उससे पहले खमाज के ऊपर मैं थोड़ा सा जो भी धुन है एक दो मैं जस्ट Thank you.
अगर टाइम है कृति जी और काइंड अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। जी हम बिल्कुल चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ और भी सुनाएं। खमाज का ये जो अंग है जी, ये तीन ताल का ही आधा स्टाइल में बज रहा है जी। हम एक रेयर बंदिश बजाना चाह रहे खमाज के ऊपर। नॉर्मली हम लोग एक आवर्तन का दो आवर्तन का गत बजाते हैं, बट अभी मैं कुछ एक बजा रहा हूँ गत, याद है देखते हैं जी। तीन आवर्तन का सप्तऋषि जी, इससे पहले आप बजाएं हमारे सभी दर्शकों के लिए, मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ अपने सभी व्यूअर्स को, जैसे अभी आपने कहा कि मैं एक रेयर बंदिश बजाना चाह रहा हूँ, तो NCERT CIIT का यही उद्देश्य है कि हम देश भर तक आप जैसे कलाकारों के माध्यम से घर बैठे ही स्टूडेंट्स को ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बंदिशें कभी सुनी नहीं गई, बजाई नहीं गई हैं, आज वो हम आप सभी को घर बैठे ही सुना रहे हैं गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर। और जैसा कि शुरुआत जब आपने खमाज की तो बड़ा सहज था, मैं आपको देख के मुस्करा रही थी कि आन मिलो सजना, मतलब हमारे आसपास ऐसे कितने संगीत गीत चलते हैं जो हमें मालूम ही नहीं है कि हम एक राग गा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं संगीत को, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र है ये। और चलिए अब सुनते हैं खमाज में एक अगली पेशकश सप्तऋषि मंडल जी द्वारा। खत्म करते हैं, बहुत एक पॉपुलर भजन है वैष्णव जन तो, जो बेसिकली बेस्ड ऑन राग खमाज। Thank you.
सप्तर्षि मंडल जी बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीला, बहुत ही मधुर, और दिल तो हमारा सभी का यूँ चाहता है कि आप ये संगीत के महासागर में हमें यूँ ही गोते लगवाते रहें अपने सुरों के और सुरीले माध्यम से, पर हमारा कार्यक्रम जो है वो समय सीमाबद्ध है और अब समय पूरा हो चुका है आज के इस सत्र का। और जो एस्थेटिज्म की हम बात करने वाले थे इस सेशन में, भाव सौंदर्य की, बेसिकली सौंदर्य शास्त्र की रागों में, आपने बहुत बारीकी से, बहुत खूबसूरती से हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए उसको समझाया, बहुत सरलता से। आज स्टूडियो तक आने के लिए आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। थैंक यू प्रीति जी। मेरे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सिर्फ जानने से पहले एक बात मैं बोलना जरूर चाहूँगा कि जो एस्थेटिक पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ऐसे नहीं कि राग भूपाली में ही भरे हुए, राग नंद में ही भरे हुए, श्री में ही भरे हुए, ऐसे नहीं है। हर रागों का जो रूप है, हर अलग अलग टाइम के लिए वो बेस्ट है। ऐसे नहीं हम कभी बोल सकते कि भूपाली चलो बच्चे का राग है, बचपन में हम लोग सीखते थे, ऐसा है ही नहीं। हर रागों का अलग एसेंस है, अलग फ्लेवर है। सो सिर्फ उसे हमें ढूंढ के उसे रिप्रेजेंट करना है, और दुनिया का सारे म्यूज़िक एक ही जगह ले जाते हैं हमें। तो जी, दुनिया का हर संगीत, बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं आप जाते जाते कि हमें एक ही जगह ले जाता है उस परम शक्ति की ओर, और ये यकीनन बहुत महत्वपूर्ण बात है दर्शकों और सभी जो बच्चे हमें देख रहे हैं कि हर राग अपने आप में खूबसूरत है, पर जब आप उसका रियाज करेंगे, उसको सीखेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, तभी आप उसमें और उतरते जाएंगे और उसकी परिपक्वता आपको हासिल होगी। आप दोनों का ही पुनः धन्यवाद देती हूँ आज हमें ज्वाइन करने के लिए, स्टूडियो तक आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। और आप दर्शकों, आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक सुरीले मधुर सत्रों के लिए एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल देखते रहें PME विद्या पर, जो कि दिन भर आपके लिए जारी है। अभी के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।